सो हे गाइस, वेलकम बैक। तो यार देखो, कल जो है एनटीए ने रात को ही डीयू एंट्रेंस एग्जाम के लिए आंसर की रिलीज कर दी थी। एंड सब बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार 14-15 दिन बाद, अगर कह सकते हैं 2 वीक से भी ज्यादा टाइम लिया उन्होंने आंसर की निकालने में, तो सब कुछ ठीक होगा। वो अपने आंसर्स को मैच करेंगे, अपना स्कोर बनाएंगे एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट अपना वो कैलकुलेट कर पाएंगे। लेकिन जब कल रात को आंसर की आई एंड सबने देखा, तो उसके बाद स्टूडेंट्स का रिएक्शन ये था। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? तो यार देखो, रिएक्शन की बात तो हो गई है, बट मेन चीज ये कि यार मुझे भी नहीं थी कि इतनी बड़ी अथॉरिटी जो इतने बड़े बड़े एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उनकी तरफ से इतना टाइम लेने के बाद भी ये होगा। चलो यार, प्रीवियस ईयर भी ये चीज हुई थी एंड वो, लेकिन ये था कि क्वेश्चन पेपर आंसर की थोड़ी जल्दी आ गई थी, इसलिए यार चलो जल्दी का काम होता है, कई बार जल्दबाजी में गलत आंसर आ जाते हैं। एंड सबसे पहली बात थी कि यार कंप्लीटली प्रीवियस ईयर जो चैलेंज करने का ऑप्शन था, वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट था। कोई भी आपको चार्ज पे नहीं करने थे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन चैलेंज करना है तो। लेकिन इस ईयर जो उन्होंने 200 रुपीज ईच क्वेश्चन चैलेंज करने के लिए मांग रहे हैं वो, एंड यार सबसे ज्यादातर जो गलती आपने करी है उसके लिए फीस बच्चे क्यों पे करें? चलो अगर अगर यार एग्जाम की बात हुई, बच्चों ने जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, उसके लिए उन्होंने पैसे दिए क्योंकि उन्हीं के लिए जो है एग्जाम के अरेंजमेंट होने थे, बट जो गलती जो क्वेश्चन पेपर में या फिर आंसर की में गलती आपकी वजह से हुई है, उसके लिए बच्चे क्यों पैसे दें? सबसे पहली बात तो ये आती है। एंड वो भी कम पैसे नहीं है, 200 रुपीज फॉर ईच क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए आपको 200 रुपीज पे करने पड़ेंगे। एंड अगर आंसर की में तो यार मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन रॉन्ग है, एंड अगर सोचो फॉर एग्जाम्पल अगर 10 क्वेश्चन भी रॉन्ग है एंड 10 के लिए कोई चैलेंज करता है, तो उसको 2,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। मतलब आप सोच सकते हो कि यार इस एक तो सिचुएशन में सबके हालात अभी इतने अच्छे नहीं है, एंड उसके बाद यार आप इतने ज्यादा चार्जेस ले रहे हो फॉर चैलेंजिंग द क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की, एंड जो गलती आपकी तरफ से हुई है। चलो यार किसी एक के लिए गलती होती है यार, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल सीबीएसई है, वो किसी एक को पेपर को जो है पूरा करेक्ट करवाने के लिए, रिवॉल्यूशन के लिए जो है कुछ चार्जेस लेते हैं, चलो वो माना जाता है। लेकिन जब सभी के लिए चीज हुई है, सभी के लिए क्वेश्चन पेपर या फिर आंसर की गलत आया है, तो वो उनकी ड्यूटी है कि वो करेक्ट करके करेक्ट आंसर की और जो है क्वेश्चन पेपर निकाले एंड उसके बेसिस पे आगे रिजल्ट आए। बट डिस्पाइट ऑफ इट यार आप उनसे ही पैसे ले रहे हो चैलेंज करने के लिए, यार ये मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल भी ठीक नहीं है। प्रीवियस ईयर तक कंप्लीट प्रोसेस फ्री था, लेकिन इस ईयर उन्होंने जो है 200 रुपीज ईच क्वेश्चन के लिए मांग रहे हैं। एंड मेरी रिकमेंडेशन ये है कि यार चलो अगर एक दो दो तीन क्वेश्चन होते हैं यार, फिर भी कोई चैलेंज कर दे, दिल पे पत्थर रख के कोई 400, 500, 600, 800 रुपए दे के करवा सकता है। लेकिन यार अगर 3-4 हो तो ना, मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन इतने सिली क्वेश्चन है जो मे बी कई क्वेश्चन तो 5th 6th क्लास का बच्चा भी करेक्ट बता देगा। मैं अभी आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा आगे क्वेश्चंस का, उन क्वेश्चंस में गलती के लिए कोई क्यों पे करे 200 रुपीज? वो भी इतने क्वेश्चन के लिए कौन पे करेगा? तो मेरी रिकमेंडेशन यार अभी आप बिल्कुल पे मत करो, मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है इन दी एंड। एंड यार देखो, मेन चीज ये है कि यार अभी अगर आप यार इस चीज से डिमोटिवेट हो रहे हो कि भाई आपके जो आंसर्स है वो आंसर की से मैच नहीं हो रहे हैं, तो यार बिल्कुल टेंशन मत लो, मे बी आपके आंसर ठीक है एंड जो आंसर की आई है उसमें काफी आंसर गलत है, तो इसलिए अभी आप मैच मत करो। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपके लिए करेक्ट आंसर्स निकाल दूं, आंसर की निकाल दूं बोथ शिफ्ट्स के लिए। तो यार अभी आप थोड़ा वेट करो एंड यार बिल्कुल भी यार परेशान मत हो, यार रिलैक्स रहो, अगर आपके आंसर ठीक है तो आपको नंबर मिलेंगे। अब बात करते हैं यार कुछ एग्जाम्पल के बारे में, जो मेरे को देख के सही में शॉकिंग लगा कि इतने इजी क्वेश्चन भी आंसर की में गलत दिए हुए हैं आंसर उनके। एंड यार मतलब क्या बोलूं, किसने ये आंसर की रिलीज करी, आई डोंट नो, देखते हैं क्या हुआ। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल का नंबर 1 क्वेश्चन है यहाँ पे, ये आपका देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक डीआई का क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीपल डू नॉट रीड न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे जो न्यूज़पेपर रीडर है उनको इंडिकेट किया हुआ है बाय द रेक्टेंगल, ठीक है ना। तो अब देखो बात करें, अगर हम यहाँ पे टोटल, अगर जो आउटसाइड ऑफ रेक्टेंगल है वो सारे बंदे हैं वो न्यूज़पेपर रीड नहीं करते हैं, नॉर्मल सी सिंपल सी बात है, तो 40 ये रहे, तो यहाँ पे 40 ये रहे, 20 ये रहे और 10 ये रहे। अगर हम इसका टोटल करें तो इसका आंसर बनेगा 70, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 70 नहीं, लेकिन यार एनटी की तरफ से इसका आंसर होगा 50। आई डोंट नो कहां से इसका आंसर 50 लग रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है ये। तो अब बात करें कि अगर यहाँ पे मेन चीज ये कि गलती है उनकी तरफ से, एंड ये इतना सिंपल क्वेश्चन है कि एक झलक में आपको दिख जाएगा कि यार इसका आंसर तो 70 होगा, बिकॉज अगर किसी को बेसिक पता है यार कि यार डीआई कैसे होता है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे जो न्यूज़पेपर रीडर नहीं है वो यहाँ पे आउटसाइड रेक्टेंगल रीजन होंगे, एंड यहाँ पे 40 ये रहे, 20 ये रहे, 10 ये रहे, तो आपकी टोटल आंसर बनता है 70। तो इसका आंसर डायरेक्टली 70 होगा, आई डोंट नो कहां से उन्हें इसका आंसर 50 लग रहा है, ठीक है ना। अब ऐसे ही एक सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
वो है यहाँ पे गिवन दैट। अब यार ये जो आंसर है ये अराउंड फिफ्थ या सिक्स क्लास का बच्चा भी दे देगा, मे बी उससे कम उम्र का बच्चा भी दे देगा। यार बताओ 2+-=5 कब होता है, मतलब डैश जगह हम क्या रिप्लेस करें जब आंसर आ जाएगा 5, तो 2 में क्या प्लस करें कि उसका आंसर आ जाएगा 5, ये एक बच्चा भी बता देगा कि इसका आंसर क्या होगा। एंड 6 में क्या प्लस करें कि उसका आंसर आएगा 9। तो हमारे को इस डेल्टा की वैल्यू बतानी है, तो इसका यार बहुत सिंपल आंसर है कि यार मतलब बोलने में भी वो लग रहा है कि यार 2+3=5 होता है, 3+0=3 हो जाएगा एंड 6+3=9 हो जाएगा, बट नहीं एनटी की तरफ से इसका आंसर होगा 7। मतलब एनटी का देखा जाए तो एनटी की तरफ से 2+7=5 होता है, 7+0 चलो वो तो हो जाएगा अलग चीज है, लेकिन 6+7=9 होता है, ये एनटी की तरफ से है। यार मतलब बच्चा बता देगा इसका आंसर कि इसका आंसर 3 होगा, मतलब 2+3=5 होता है, 3+0=3 होता है और 6+3=9 होता है। एंड ये बच्चों वाला क्वेश्चन का आंसर भी इन्होंने गलत दिया हुआ है, मतलब आप देख सकते हो कि क्या ही बताऊं मैं, आप बताओ इस ऐसे क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको पे करने चाहिए 200 रुपीज, मतलब मैं क्या ही बोलूं। देखो देन नेक्स्ट यहाँ पे जो है ये यहाँ पे बहुत दो सिंपल क्वेश्चन है, एंड अगर आप नॉर्मली न्यूज के साथ अपडेटेड तो आपको आंसर पता होगा इनका भी। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, चंद्रयान 2 मिशन वॉज लॉन्च बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो अबोर्ड विच सैटेलाइट व्हीकल। तो यार देखो न्यूज में उस टाइम पे बहुत ही आया था, एंड आई होप कि आप सबको आंसर पता होगा। इसका डायरेक्ट आंसर बनता है GSLV Mark 3, बट इन्होंने दिया हुआ इसका आंसर GSLV F11, जो बिल्कुल ही गलत आंसर है। इसका करेक्ट आंसर यही है ऑप्शन नंबर 2, GSLV Mark 3। ऐसे यहाँ पे यार ये क्वेश्चन काफी कॉन्ट्रोवर्शियल हुआ है, काफी कमेंट कर रहे हैं मुझे, काफी लोग डीएम कर रहे हैं कि भाई ये ओम बिरला इज, यहाँ पे उन्होंने इसका आंसर दिया हुआ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। एंड रियलिटी में मैं देख के शॉकिंग था कि मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ओम बिरला, यार इसका डायरेक्ट आंसर बनता है कि ओम बिरला इज स्पीकर ऑफ लोकसभा, बट नहीं एनटी की तरफ से जो ओम बिरला है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। मतलब यार कुछ भी, मतलब यार मतलब थोड़ा अगर कोई आंसर की, यार देखो हम अगर कोई वीडियो बना रहे हैं, वीडियो को भी मैं यार एक दो बार देखने के बाद अगर गलती उसको रेक्टिफाई करने के बाद अपलोड करता हूँ। एंड यार आप तो जो है ऑफिशियल एक आंसर की निकाल रहे हो, कम से कम थोड़ा तो आप यार मतलब देख लो कि क्या कर रखा है। मतलब मैं नहीं सोचा था कि यार इतनी बड़ी अथॉरिटी से इतनी बड़ी गलती होती है, वो भी इतना टाइम लेने के बाद, मतलब 2 वीक्स से ज्यादा टाइम ले लिया, लेकिन फिर भी ऐसी आंसर की आ रही है, क्या ही बोलूं मैं। अब यहाँ पे देखो यार शिफ्ट 2 से देख लेते हैं हम, शिफ्ट 2 में यहाँ पर जो है प्रॉपर एक क्वेश्चन था, विच कंपनी अमंग दी फॉलोइंग वाज एक्वायर्ड बाय वॉल्ट डिज्नी इन 2019। तो इसका जिन्होंने आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है वार्नर ब्रॉस, बट इसका करेक्ट आंसर है 21st Century Fox। गूगल पे आप टाइप करके आंसर देख सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक है यहाँ पर है, विद विच ऑफ दी फॉलोइंग कंपनी हैज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साइंड अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट टू रोल आउट बिल्ड फॉर डिजिटल इंडिया। इसका आंसर उन्होंने दिया हुआ है एप्पल, बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गूगल। ऐसे यार ऐसे बहुत से क्वेश्चन है, खाली मैंने यहाँ पे एज अ सैम्पल पर्पज, एज अ एग्जाम्पल पर्पज मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, अदरवाइज मैं जब देख रहा था यार मेरे को इतने सारे क्वेश्चन मिल रहे थे जिनका आंसर गलत दिया हुआ था, मतलब पूछो ही मत। तो यार ये मैंने यहाँ पे जस्ट एग्जाम्पल आपको दिखाया कि कितने क्वेश्चन यहाँ पे और कितने सिली क्वेश्चन। मतलब यार कुछ अगर यार देखो जो आपको दिखाया था वाला 2+ वाला जो 2+ डेल्टा, यार वो तो मतलब एक छोटा बच्चा भी आंसर बता देगा कि इसका आंसर क्या होगा, बट ये उनकी तरफ से आंसर गलत आया है। तो यार मैं क्या ही बोलूं इस चीज के लिए। अब देखो यार मेन चीज ये है कि इतने पैसे खर्चने की कोई भी जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर कोई 1, 2 या 3 क्वेश्चन में मिस्टेक होती फिर भी आपको कहता है क्या चलो अगर आप चाहो दिल पे पत्थर रख के जो है पेमेंट कर दो, चैलेंज कर दो, बट इतने सारे क्वेश्चन गलत है यार। तो यार देखो मेन चीज ये है, मैं आपको यार ये चीज कहूंगा कि ये ईमेल आईडी है NTA की DU एंट्रेंस एग्जाम के लिए, यहाँ पे आप इन्हें मेल करो, DU को भी मेल करो, एंड अगर आप कि फोन पे बात हो सकती है यार आप फोन पे कांटेक्ट करो, मैं अभी अपनी तरफ से लगा हुआ हूँ कि किसी तरह उनसे कांटेक्ट हो जाए एंड मैं कुछ रीजन फाइंड कर सकूं। तो यार इसलिए यार और घबराने की कोई बात नहीं यार, अगर आपकी गलती नहीं है तो आपको कोई भी रिजल्ट में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, प्लीज इस बात को ध्यान रखो, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, आपकी गलती नहीं है। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि बहुत जल्दी एक फाइनल आंसर की निकल के आ जाएगी जो मे बी करेक्ट हो, बट यार ये हरकत देख के सही में मैं सही में शॉकिंग हूँ। रात को जो मेरे पास 4-4 बजे तक कमेंट्स और वो आ रहे थे और डीएम्स की, भाई क्या है ये क्वेश्चन पेपर, क्या है ये आंसर की, कैसा आया है, क्या हुआ है। तो यार घबराओ मत, बिल्कुल अपनी अभी रेस्ट करो, थोड़ा यार अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करो, सब अच्छा ही होगा। एंड आप यार जितना हो सके यार ईमेल करो,
ताकि उन्हें यार नोटिस में आए कि यार इतने क्वेश्चन गलत है और कौन है यार इतने चैलेंज करने के पैसे वेस्ट करेगा अपने। तो आप प्लीज अभी आप यही चीज कर सकते हो, यही चीज करो एंड आई एम प्रीटी मच श्योर बहुत जल्दी एक करेक्ट आंसर की और जो है क्वेश्चन पेपर रिलीज हो जाएगा। तो कोई भी घबराने की बात नहीं है, अभी आप बिल्कुल मत घबराओ, अपनी जो खुद की आपकी रिस्पॉन्स शीट है उसको अभी मैच मत करो आंसर की में, क्योंकि यार अगर सही होती तो आप मैच करो फिर भी कोई बेनिफिट होगा, जब गलत आंसर की आई है तो उसके साथ मैच करने में कोई फायदा नहीं है बल्कि और डीमोटिवेशन होगा, दिमाग खराब होगा कि यार काफी लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे आंसर ठीक है बिकॉज उन्होंने क्रॉस चेक करके वेरीफाई कर लिया है, लेकिन जिन्होंने क्रॉस चेक नहीं करा है वो तो घबराएंगे ना इस चीज को देख के। तो इसलिए यार अभी घबराओ मत, ही घबराने का टाइम नहीं है, ये एक साथ मिलके आगे आने का टाइम है, आपको बस मेल करना है एंड उनसे रीजन लेना है। एंड यार मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं भी कोशिश कर रहा हूं कांटेक्ट करने की, अगर बाय चांस किसी के पास कोई रिप्लाई आता है, कुछ इंफॉर्मेशन आती है इसके रिगार्डिंग, तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपकी कमेंट को पिन कर दूंगा, बिकॉज इस टाइम यार सब बहुत ही कंफ्यूजन फ्रस्ट्रेशन में है, तो इस फ्रस्ट्रेशन से रिलीफ तभी मिल सकता है जब कुछ रिप्लाई आएगा ऑफिशियली। मैं भी कोशिश कर रहा हूं जैसे कुछ अपडेट आएगा आपके लिए वीडियो तुरंत आ जाएगी, तो कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, जस्ट अभी सब्सक्राइब करके रख लो एंड मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।